हेलो जी, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की 22वीं पुतली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा भोज एक बार फिर सिंहासन की ओर बढ़े, तभी 22वीं पुतली अनुरोधवती वहाँ आ गई। उसने राजा भोज से कहा कि मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद यह फैसला करना कि आप सिंहासन पर बैठने के लायक हो या नहीं। इसके बाद 22वीं पुतली ने कहानी सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य कला प्रेमी था और अच्छे कलाकारों को सम्मानित करता था। वह अपने दरबार में मौजूद योग्य लोगों का भी बहुत सम्मान करता था। उन्हें चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजा विक्रमादित्य के इस स्वभाव के कारण एक युवक उनसे मिलने उनके दरबार पहुंचा। उस युवक को कई शास्त्रों का ज्ञान था और हमेशा खरी बात को ही बोलता था। उसका यह स्वभाव अक्सर राजाओं को पसंद नहीं आता था, जिस कारण उसे हर राजा अपने यहाँ नौकरी से निकाल देता। बार बार नौकरी से निकाले जाने के बाद भी उसने अपनी प्रकृति और व्यवहार को नहीं बदला। जब वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचा तो उस समय वहाँ संगीत का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। वह राजा के आदेश का इंतजार करने लगा। वह दरबार के दरवाजे पर खड़ा होकर संगीत सुन रहा था, जिसे सुनकर वह धीमी धीमी आवाज में बोला, दरबार में बैठे हुए लोग ना समझें, इन्हें संगीत की बिल्कुल भी समझ नहीं। संजीदा गलत धुन बजा रहा है, फिर भी कोई उसे रोक नहीं रहा। उसे बोलते हुए वहाँ खड़े द्वारपाल ने सुन लिया, जिससे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने युवक से कहा, महाराज विक्रमादित्य सच्ची कला के प्रेमी हैं और वह खुद दरबार में मौजूद हैं। द्वारपाल की बात सुनकर युवक हंसा और बोला, वह कला प्रेमी हो सकते हैं लेकिन कला पारखी नहीं है, क्योंकि संजीदे की गलती को वह पकड़ नहीं पा रहे। युवक की बात सुनकर द्वारपाल ने कहा कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो उसे दंड मिलेगा। इस पर युवक ने कहा कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो वह हर प्रकार की सजा के लिए तैयार है। इसके बाद द्वारपाल ने युवक के बारे में विस्तार से राजा को बताया। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उस युवक को दरबार में लाने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के सामने भी युवक ने कहा कि किसी एक संजीदे की उंगली पर चोट लगी हुई है, जिस कारण संगीत में कुछ कमी है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने सभी संजीदों की उंगलियां देखने का आदेश दिया। जांच के दौरान सच में एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ मिला। उसने अंगूठे पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। यह देखकर राजा ने उस युवक की बहुत प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा और उसे अपने दरबार में नौकर रख लिया। युवक ने भी समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय दिया, जिससे राजा विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों के बाद दरबार में एक खूबसूरत नर्तकी आई। दरबार में उसके नृत्य का आयोजन किया गया। वह युवक भी दरबार में बैठा हुआ था और नृत्य को गौर से देख रहा था। वह नृत्य बहुत ही अच्छा नृत्य कर रही थी और सभी दरबारी मोहित होकर उसके नृत्य को देख रहे थे। तभी न जाने कहाँ से एक भंवरा आकर उसकी छाती पर बैठ गया। नृत्य ने न तो नृत्य रोका और न ही हाथों से भंवरे को हटा सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से उसकी भंगी माएँ बिगड़ती थी। ऐसे में उस नृत्य ने चतुराई से सांस अंदर की ओर खींची तथा पूरे जोर से भंवरे पर छोड़ दी। ऐसा करने से भंवरा उड़ गया। हालांकि यह घटना कोई देख नहीं सका, लेकिन उस युवक ने यह सब देख लिया। वह नर्तकी की तारीफ करते हुए उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। यह देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। दरबार में मौजूद लोगों ने कहना शुरू किया कि राजा के होते हुए दरबार में किसी और को इस तरह का इनाम देना महाराजा का अपमान है। युवक का यह व्यवहार राजा विक्रमादित्य को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने युवक से ऐसा करने के पीछे कारण बताने को कहा। इस पर युवक ने भंवरे वाली सारी घटना राजा को विस्तार से बता दी। उसने कहा कि नर्तकी ने जिस तरह से सुर लय और ताल के साथ भाव भंगिमाओं के बीच सामंजस्य रखते हुए जिस फाई से भंवरे को उड़ाया, वह इनाम देने के काबिल है।
जब राजा विक्रमादित्य ने नृत्य से पूछा तो उसने युवक की बातों का समर्थन किया। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने नृत्य और उस युवक की तारीफ की। अब उसकी नज़र में युवक का महत्व और बढ़ गया। अब तो जब भी किसी भी समस्या का हल ढूंढना होता तो राजा विक्रमादित्य उसकी बातों पर जरूर गौर करते। ऐसा ही एक दिन दरबार में चर्चा शुरू हुई कि बुद्धि और संस्कार के बीच में क्या संबंध है। दरबारियों का कहना था कि बुद्धि से ही संस्कार आते हैं, लेकिन वह युवक उनकी बातों से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि संस्कार अनुवांशिक होते हैं। जब इस मुद्दे पर एक राय नहीं बनी तो विक्रमादित्य ने इसका एक हल निकाला। राजा ने नगर से दूर जंगल में महल बनवाया और उसमें गूंगी और बैरी नौकरानियों को रहने का आदेश दिया। साथ ही चार नवजात शिशुओं को उन नौकरानियों को देखरेख में रख दिया। इनमें से एक शिशु राजा विक्रमादित्य का था, जबकि एक महामंत्री का, एक कोतवाल का और एक ब्राह्मण का। जब 12 वर्ष के बाद चारों बच्चे दरबार में पेश किए गए तो राजा विक्रमादित्य ने बारी बारी से उनसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? चारों ने अलग अलग जवाब दिए। राजा के बेटे ने कहा, सब कुशल है। वही महामंत्री के बेटे ने कहा कि यह संसार नश्वर है, जब आने वाले को जाना है तो कुशलता कैसी? कोतवाल के बेटे ने कहा कि चोर चोरी करते हैं और नाम खराब निरपराधी का होता है, ऐसी हालत में कुशलता की सोचना ही बेकार है। अंत में ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि जब आयु दिन ब दिन घटती है तो कुशलता कैसी? चारों के जवाब सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का बेटा निश्चित भाव से ही सब कुछ कुशल मानता है। और मंत्री के बेटे ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के बेटे ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण के बेटे ने दार्शनिक उत्तर दिया। ये सब कुछ अनुवांशिक संस्कारों के कारण हुआ, जबकि सभी का पालन पोषण एक साथ और एक तरह से हुआ। फिर भी चारों के विचारों में अपने संस्कारों की तरह ही अंतर था। इस प्रकार सभी दरबारी मान गए कि युवक बिल्कुल सही है। इतना कहकर 22वीं पुतली वहाँ से उठ गई और राजा भोज एक बार फिर इस सोच में पड़ गए कि क्या विक्रमादित्य की तरह वह भी सच्चे और अच्छे लोगों की परख करने के काबिल है या नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है और गलत का साथ नहीं देता, उसका हमेशा समर्थन करना चाहिए। ऐसे लोग कभी गलत सलाह नहीं देते और हमेशा सही राह दिखाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।